असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एम फिल इंग्लिश लिटरेचर का जो टेस्ट पैटर्न है जीसी यूनिवर्सिटी का वो बताने वाली हूँ कि मींस जी सी जो है वो एम फिल की एडमिशन के लिए किस किस्म का टेस्ट लेती है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनका टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव नहीं होता मतलब एम की फॉर्म में होता है और ये आपका डीपर नॉलेज नहीं चेक करते बल्कि आपके मेन कॉन्सेप्ट चेक करते हैं इसके लिए आप लोगों को जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट वर्कस हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको पढ़ना होगा जो लिटरेरी मूवमेंट्स लिटरेरी थेरी हैं उनको पढ़ना होगा स्पेशली जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर से लेके एट सेमेस्टर तक सिलेबस चलता है आपने उनको देखना है और इसके अलावा जो टेक्स्ट है इम्पॉटेंट टेक्स्ट की इम्पॉर्टेंट कोटेशंस आपने लास्ट में देखनी है जैसे कि लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट से लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था हॉरर हॉरर ये किसकी कोटेशन है इस तरह से ही कुछ और लाइक एग्जाम्पल्स टॉयलेट इन दिल्ली से फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस से मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और उनकी जो फेमस टेक्स्ट है जैसे कि जॉन डन की कुछ लाइन बहुत फेमस है जो कि नॉर्मली बोल जाती हैं शेक्सपियर की कुछ बहुत फेमस है जैसे कि टू बी और नॉट टू बी सो ऑन ठीक है तो जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है और उनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपने देख लेनी है क्योंकि इसमें से भी एम सी क्यूज़ बनते हैं फिर लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स से राउंड अबाउट ट्वेंटी एम सी क्यूज़ आते हैं और वो जनरल डेफिनेशन पर बेस करते हैं मतलब इनडेप नॉलेज नहीं होता कोई डीपर आपको लिंग्विस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है बेसिक्स के फोनेटिक्स क्या है फोनोलॉजी क्या होता है मोफोलॉजी क्या होता है सेंटेक्स क्या होता है इनकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है फिर ग्रामर के पोर्शन से कुछ एम सी क्यूज आते हैं ठीक है और इसके अलावा वॉर पोइट्स वॉर राइटर्स पोस्ट मॉडर्न राइटर्स, पोस्ट कलोनियल स्टडीज और पोस्ट कलोनियल राइटर्स ये कुछ आपने लाजमी देखना है क्योंकि जो लेटेस्ट लिटरेचर होता है जैसे कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जी सी एफ की प्रेफरेंस होती है कि वो लेटेस्ट लिटरेचर को अपने टेस्ट के अंदर इंक्लूड करें जैसे कि अब्जर्डिज़म और इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न इवन की जब मैं पोस्ट मॉडर्न की बात कर करी तो पोस्ट मॉडर्न में जो भी लिटरेरी टर्म्स आ रही हैं जो भी लिटरेरी मूवमेंट आ रही हैं जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स आ रहे हैं उन सब को और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स आ रहे हैं आपने उन सब को लाजमी देखना है प्रपोजिशन देख लेनी है आप लोगों ने डायरेक्ट इन डायरेक्ट देख लेनी है आप लोगों ने तो इस किस्म का आपको टेस्ट मिलेगा ठीक है लिंग्विस्टिक से लास्ट ईयर ट्वेंटी क्वेश्चन आए थे एम ठीक है ग्रामर से थ्री टू फोर आए थे और हिस्ट्री से थ्री टू फोर आए थे और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे बेसिकली बेस करे थे प्योर एज के ऊपर ही मतलब आपने देख लेनी है कि कौन सी एज जो है वो किस ड्यूरेशन में शुरू हुई थी किस ड्यूरेशन तक चल रही है मतलब कब स्टार्ट हुई कब एंड हो रही है उस एज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है और किस टाइम पर शुरू हुई किस टाइम पे एंड हुई आपने ये चीज़ें देख लेनी है क्लियर तो दैट्स ऑल ये था जी का टेस्ट पैटर्न तो आपने अपने टेस्ट के लिए इन इन चीज़ों को कंसल्ट करना है आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी स्टे यून विद अस टेक केयर